डीपीपी निकालो, मतलब डीपीपी मतलब क्या, वो मोल एग्जाम क्वेश्चंस वाला पीडीएफ निकालो, उसका पहले डिस्कशन लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया था मैंने, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एट ग्राम्स ऑफ एनएच इज डिजोल्व इन 18 ग्राम्स ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन। तो 8 ग्राम्स ऑफ NaOH इज डिजॉल्व इन 18 ग्राम्स ऑफ वाटर, तो मोल्स ऑफ NaOH कितना हो गया? मास ऑफ NaOH अपॉन ग्राम मोला मास, मास ऑफ NaOH हो गया 8, ग्राम मोला मास हो गया 40, ये हो गया 1/5 विच इज 0.2। एंड मोल्स ऑफ वाटर कितना हो गया? मास ऑफ वाटर अपॉन ग्राम मोला मास, कितना हो गया ये? 18/18 कितना आ गया? 1। यस, तो सॉल्यूशन में पूछा जा रहा है व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इन सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्या क्या है? सॉल्यूशन में ये हमारे पास सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में 0.2 मोल NaOH का है, और उसके बाद 1 मोल क्या है? वाटर का है। यस, इसका मतलब क्या हो गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH कितना हो गया? मोल्स ऑफ NaOH अपॉन मोल्स ऑफ, टोटल नंबर ऑफ मोल्स होता है ना, मोल्स ऑफ NaOH प्लस मोल्स ऑफ वाटर, तो कितना हो गया? मोल्स ऑफ NaOH कितना है? 0.2। मोल्स ऑफ NaOH 0.2 प्लस मोल्स ऑफ वाटर 1, ये हो गया 0.2 अपॉन 1.2 विच बिकम्स 2/12, इसका मतलब कितना हो गया? 1/6। 1/6 करोगे कितना आ जाएगा? 0.166 आ जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH कितना हो गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी सल्यूट है ना NaOH, ये हो गया 0.167। यस, तो सल्यूट का मोल फ्रैक्शन आ गया हमारे पास। एक बार सल्यूट का मोल फ्रैक्शन आ गया, अभी क्या करेंगे अपन? मोलालिटी, मैंने फॉर्मूला बताया था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अपॉन 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन मोला मास ऑफ ए, तो ये कितना आ गया? 1/6 आया ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कितना? 1/6 आया, तो ये कर दो 1/6 अपॉन 1 माइनस 1/6 इंटू 1000/18 मोलालिटी, सो दिस मीन्स मोलालिटी इज इक्वल टू 1/6 अपॉन 5/6। यस, मोलालिटी इज इक्वल टू 1/6 अपॉन 5/6 इंटू 1000/18, तो 6 6 कट गया, ये आ गया 1/5 इंटू कितना? 1000/18, तो ये कितना होगा? 1/5, 5 1 टाइम्स, 5 200 टाइम्स, एंड 9 टाइम्स 200 टाइम्स कितना हो गया? 100/9 मोल परसेंटेज, 100/9 कर दो कितना आ जाएगा? 11.11, तो मोलालिटी क्या? 11.11 मोल
मोल्स पर केजी, मल्टी आ गया 11.11 मोल्स पर केजी, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH आ गया अपने पास 0.166। यस, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0.167 एंड 11.11 सी हो जाएगा इसका आंसर। फिर उस बात क्वेश्चन नंबर सिक्स दिया था, क्वेश्चन नंबर सिक्स में डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर सिक्स दिया था मैंने, क्वेश्चन नंबर सिक्स में है क्या? सिक्स में डाउट है तो बताओ। फाइव दिया था, सिक्स दिया था, सिक्स में डाउट है क्या? सिक्स में डाउट नहीं है पक्का? फिर मुझसे क्वेश्चन नंबर नाइन पूछा है। क्वेश्चन नंबर नाइन कहता है कि क्वेश्चन नंबर नाइन कहता है कि 5 लीटर्स ऑफ अल्केन रिक्वायर्स 25 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर कंप्लीट कंबशन। इफ ऑल वॉल्यूम्स आर मेजर्ड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर देन अल्केन इज, तो अल्केन की बात कर रहा है ना, तो अल्केन क्या हाइड्रोकार्बन होता है कि नहीं होता है? तुमको अल्केन नहीं पता? अल्केन नहीं पता पढ़ा तुमने? अल्केन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है कि नहीं होता है? एट भी दिया था क्या मैंने? मैंने क्वेश्चन नंबर एट भी दिया था क्या? तो एट वाला डाउट क्यों पूछ रहे हो? दिमाग खराब हो गया क्या एकदम से? कौन महान इंसान है? शार्विल, मूर्ख, एकदम से मूर्ख। ऑफ ऑक्सीजन फॉर कंप्लीट कंबशन अल्केन क्या होता है? अल्केन इज CnH2n+2, मतलब हाइड्रोकार्बन है ना, तो CXHY लिखो ना इसको सीधा सीधा, हाइड्रोकार्बन है भाई। तो ये CXHY प्लस ऑक्सीजन गिव्स XCO2 प्लस Y/2H2O। तो ऑक्सीजन हो गए 2x यहां से और Y/2 यहां से, तो ये आ गया 2x प्लस Y/2 डिवाइडेड बाय 2, बैलेंस हो गया है कि नहीं? राइट। अब कह रहा है 5 लीटर्स ऑफ अल्केन रिक्वायर्स 25 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या दिख रहा है? वन वॉल्यूम विल रिक्वायर 2x प्लस Y/2 अपॉन 2 वॉल्यूम। यस, तो 5 लीटर्स विल रिक्वायर कितना? 5 लीटर्स ऑफ अल्केन विल रिक्वायर 5 इंटू 2x प्लस Y/2 अपॉन 2 लीटर्स। यस, सो ये क्या है? ये वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन है। तो अगर ये वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन है, दिस इज वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, एंड ये जो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन है ये कितना है? 25 लीटर्स है। दिस इज 25 लीटर्स, दिस इज इक्वल टू 25 लीटर्स। तो कितना हो गया? 5 × 2x प्लस Y/2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 25। तो 5 1 टाइम्स, 5 5 टाइम्स, तो कितना आ गया? 2x प्लस Y/2 इज इक्वल टू 5 × 2, कितना आ गया? 10 आ गया। तो रिलेशनशिप आ गया अपने पास 2x प्लस Y/2 इज इक्वल टू 10, ये रिलेशनशिप आया। और एक ही क्वेश्चन आया, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन अपने पास आया नहीं। यस नॉट? तो ये बताओ भाई, अल्केन क्या होता है? सिंस अल्केन इज, अल्केन के बारे में बात करी जा रही है ना, दिमाग लगाओ यार। CXHY इज इक्वल टू कितना? CnH
टू एन प्लस टू, तो यहां से रिलेशनशिप नहीं मिल रहा तुमको, x इज इक्वल टू एन, y इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ एन प्लस वन, तो x और y में रिलेशनशिप नहीं निकाल सकते, तो x की वैल्यू एन है ना, तो y कितना आ गया, टू टाइम्स ऑफ x प्लस वन। ये आ गया टू टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वन, यस, तो वाई का वैल्यू आ गया टू टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वन, तो ये हो गया टू एक्स प्लस वाई, वाई कितना है, टू टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वन, टू एक्स प्लस वाई, ये है टू टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वन, वाई का वैल्यू डाला, डिवाइडेड बाय टू इज इक्वल टू टेन, तो कितना हो गया ये, टू एक्स प्लस टू, टू कट गया, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू टेन, दिस इंप्लाइज थ्री एक्स इज इक्वल टू नाइन, एक्स के वैल्यू आ गया थ्री, एक्स के वैल्यू थ्री आ गया, वाई कितना है, टू टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वन, यस, तो वाई का वैल्यू कितना आ गया, थ्री प्लस वन फोर एट, तो हाइड्रोकार्बन कितना आ गया, सी एक्स एच वाई, सी थ्री एच एट, सी थ्री एच एट मंजे का है, प्रोपेन, यस और नॉट, तो कौन सा हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन जो है वो कौन सा है, वो प्रोपेन है, समझे, क्लियर हुआ, ये आ गया प्रोपेन, क्लियर हो गया। डाउट है कोई? नहीं? फिर उसके बाद पूछना है तो पूछो, ऐसा कुछ जो नहीं समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 9 में और किसी को डाउट हो तो पूछो, और कुछ डाउट हो तो पूछो, मतलब मैंने अच्छे क्वेश्चन छाट छाट के दिए, दिमाग खोलने वाले क्वेश्चन दिए, समझे क्या? और तुम्हारे दोस्त लोग जो इधर आलतू फालतू जगह पड़े रहे ना बारामती में, भेज देना उनको, पूछ लेना सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं होगा पहले बता रहा हूं। हो गया, चलो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि द अमाउंट ऑफ शुगर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2 लीटर ऑफ इट्स, अरे भाई पहले का आंसर है क्यों नहीं, मतलब सी आंसर है ना, तो 0.16 इज इक्वल टू 0.2 होता है क्या, कॉमन सेंस है कि नहीं है, और 11.11 इज इक्वल टू 22.20 होता है क्या, मतलब क्या है कि पहले का आंसर फर्स्ट क्यों नहीं, जो आंसर होगा वही आंसर होगा ना, आंसर से ये तो ए क्यों कर देंगे, मेरा तो दिमाग खराब नहीं है, तुम्हारा खराब हो तो मुझे नहीं पता, मेरा आंसर सी आया तो मैं सी करूंगा ना, इसका क्या मतलब है कि आंसर ए क्यों नहीं है, क्योंकि आंसर ए नहीं आया इस वजह से आंसर नहीं है, सी आंसर आया इस वजह से सी आंसर है, ये कैसा सवाल है कि ए आंसर क्यों नहीं है, अभी सॉल्व करके बताया ना कि ए आंसर क्यों नहीं है, पूरा सवाल सॉल्व किया ना, बताया तो कि ए आंसर क्यों नहीं है या सी आंसर क्यों है, पूछना क्या चाहते हो, क्वेश्चन अरे पार्थ भाई ऐसा मतलब सवाल पूछ के निकल जाते हो क्या, मतलब क्या मतलब है इसका, मैं तुमसे बात करूं पूछना क्या चाहते हो कि सवाल पूछा निकल लिए, देखो भाई प्रीवियस स्लाइड कौन सा पोर्शन देखना है, क्योंकि बहुत लंबा ऐसा है, प्रीवियस देखो अपर पोर्शन, हो गया, फिर क्या पूछा तुमने मुझसे, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या क्या बोलता है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है,
हमारे पास शुगर सॉल्यूशन है C12H22O11, ये शुगर है, टेबल शुगर, शुगर सॉल्यूशन है। इसका ग्राम मोलर मास निकालो पहले। ग्राम मोलर मास ऑफ C12H22O11 कितना आ जाएगा? ग्राम मोलर मास 12 इंटू 12 प्लस 22 इंटू 1 प्लस 11 इंटू 16 कितना हो गया? ये 342 आ जाएगा, राइट। अभी जो शुगर सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन का मोलारिटी कितना है? शुगर सॉल्यूशन का मोलारिटी है 0.1। वॉल्यूम कितना है? 2 लीटर्स। तो क्या तुमसे मास पूछ रहा है ना कि कितना मास शुगर सॉल्यूशन चाहिए इतना मोलर इतना वॉल्यूम सॉल्यूशन बनाने के लिए? तो सीधा सीधे क्या करोगे, मोल्स ऑफ C12H22O11 इज इक्वल टू कितना? मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, है कि नहीं? मोल्स निकाल लेंगे ऐसे। मोलारिटी कितना है? मोलारिटी 0.1 है। वॉल्यूम इन लीटर्स कितना? 2 लीटर्स है। मोल्स कितना हो गया? मास अपॉन ग्राम मोलर मास, यस। तो कितना आ गया? मास अपॉन ग्राम मोलर मास कितना है? 342, which is equal to 0.2। तो mass of sugar कितना हो गया? C12H22O11 कितना हो गया? 0.2 into 342, तो 34.2, ये हो गया 68.4 grams। तो ये हो गया 68.4 grams, ठीक है। और किसी को डाउट है क्वेश्चन नंबर 6 में? नहीं, फिर मैंने दिया था क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 दिया था। क्वेश्चन नंबर 11 में किसी ने डाउट पूछा मुझसे? क्वेश्चन नंबर 6 आया क्या साक्षी? साक्षी का डाउट था, समझ में आ गया। अभी क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि डिसॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड मोलर मास 60, तो मोल्स ऑफ कंपाउंड कितना हो गया? मोल्स ऑफ कंपाउंड कितना हो गया? 120 ग्राम अपॉन मोलर मास 60, कितने मोल्स आ गए? 2 मोल्स आ गए, 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ग्राम वाटर। तो मास ऑफ वाटर मतलब मास ऑफ ए कितना आ गया? 1000 ग्राम। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है 1.12 ग्राम पर एमएल। तो व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन? यार मोलारिटी क्या होता है? मोलारिटी क्या होता है? मोलारिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल इनटू 1000। तुमको यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है क्या? नहीं दिया है ना। तुमको यहाँ पे क्या दिया है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया है। थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाओ, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया है। तुमको मास ऑफ सॉल्यूट दिया, तो तुम यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हो क्या? मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जिसका भी डाउट है ध्यान से सुनो, तुमको मोलारिटी चाहिए ना, तुमको ये सब दिया गया है, हमें मोलारिटी चाहिए। तो मोलारिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल, यस। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल इनटू कितना? 1000। तुम्हें दिया क्या गया है? तुम्हें दिया गया है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया गया है। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे रिलेटेड है? सीधा सीधा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल कितना हो गया? मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर एमएल इन ग्राम पर एमएल। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? मास ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 1.12, यस। 120 ग्राम मास है और मास ऑफ वाटर कितना? 1000। तो 1000 प्लस 120 अपॉन 1.12, ये कितना हो गया? 1120 अपॉन 1.12, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 1.12 वन टाइम्स, 1.12 1000 टाइम्स, यही आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास आ गया 1000 ml। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000 ml आ गया। अभी मोलारिटी निकाल लो, मोलारिटी कितना हो गया? मोल्स ऑफ बी अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml
इंटू कितना 1000, तो मोल्स अभी कितना हो गया, 2 मोल्स हो गया, ये 1000 ml है, इंटू कितना 1000 ml, ये कट गया, कितना आ गया 2 मोल पर लीटर सीधा। आया समझ में क्वेश्चन नंबर 11? आ गया, फिर बताओ। 11 के बाद दिया था मैंने 12, अरे 37 अभी नहीं पहुंच रहे, रुक जाओ यार थोड़ा, अभी 12 दिया था इसके बाद, 11 के बाद दिया था मैंने 12, फिर दिया था 14, 15, बताओ आया 12, 14, 15, क्वेश्चन नंबर 12, 14, 15 आया क्या? क्वेश्चन नंबर 12, 14, 15, ये सारे क्वेश्चंस आए, क्वेश्चन नंबर 12 किसको नहीं आया भाई? साक्षी। क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में साक्षी, ये नहीं आता तुमको? द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन 3.6 मोल्स ऑफ वाटर, 1 मोल वाटर में कितना ऑक्सीजन होता है? 1 मोल वाटर के पास कितना ऑक्सीजन होता है? 1 मोल वाटर हैज गॉट 1 मोल ऑक्सीजन, तो 3.6 मोल वाटर हैज गॉट 3.6 मोल ऑक्सीजन, तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 3.6 × 16, सॉल्व कर लो, 3 × 16 = 48, 16 × 6 = 96, 9.6, तो 48, 58, 57.4 ग्राम्स मास ऑफ ऑक्सीजन। बी आ जाएगा ना, 57.6 आएगा, सॉरी 4 क्यों लिख दिया मैंने। फिर उसके बाद बताओ जरा, 15 दिया था, फिर दिया था 18, 18 आया क्या? आता है, बहुत अच्छी बात है, बताइयो। 18 के बाद मैंने दिया था 25, 25 में डाउट है, 18 के बाद दिया था 25, 25 में डाउट है क्या किसी को? क्वेश्चन नंबर 25, नो डाउट, आ गया 25 वाला क्वेश्चन, 25 आ गया, डाउट है तो पूछो, मैंने क्लास पूछने के लिए रखा है जिससे तुम्हारे डाउट सॉल्व हो, लेक्चर में इतना सारा डिस्कशन थोड़ी कर सकते, लेक्चर में ये सब करते बैठेंगे तो पढ़ाऊंगा कब, सिलेबस कैसे कराऊंगा। हाँ क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि 6.02 × 10^20 मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया, तो बताओ मोल्स ऑफ यूरिया कितना? 6.02 × 10^20 मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया, तो बताओ मोल्स ऑफ यूरिया कितना? मॉलिक्यूल्स अपॉन एन ए, यस, कितना हो गया? 6.02 × 10^20 अपॉन 6.02 × 10^23, कितना मोल्स आ गया? 1/1000 मोल्स आ गया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 ml है, यस, तो मोलारिटी कितना है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इन 2000, तो ये कितना हो गया? 1/1000 मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन 100 ml × 2000, तो कितना हो गया? ये हो गया, मोलारिटी इज इक्वल टू 1/1000 × 2000 अपॉन 100, ये कट जाएगा, ये हो गया 0.01, आया 0.01 मतलब कितना? 10 मिलीमोल्स हो गया, 0.01 मतलब 10 मिलीमोल्स, बट यहाँ पे तुमको मिलीमोल्स मिलीमोलर नहीं बताना है, 0.01 मोलारिटी आ गया, ठीक है। 25 के बाद दिया था मैंने 27, तो विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस विद टेम्परेचर, मोलारिटी चेंज नहीं होता, मोलारिटी चेंज हो जाएगा, मैंने ऑलरेडी बताया मोलारिटी में वॉल्यूम आता है, तो टेम्परेचर चेंज करोगे तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, तो मोलारिटी चेंज हो जाएगा टेम्परेचर साथ, ठीक है राइट। फिर 28 दिया था, 28 में डाउट है तो पूछो, 18 में भी डाउट है क्या? ठीक चलो, 18th वाला क्वेश्चन क्या है? 18 दिया था मैंने, हाँ ठीक, 18th वाला क्वेश्चन क्या है? 18th वाला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 16 ग्राम ओजोन
नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 16 ग्राम ओजोन 18th में, तो मोल्स ऑफ ओजोन बोलो जरा, मोल्स ऑफ ओजोन कितना हो गया, मास ऑफ ओजोन अपॉन ग्राम मोलर मास। मास ऑफ ओजोन कितना है 16 ग्राम, ग्राम मोलर मास है 48, कितना हो गया 1/3। तो 1 मोल ओजोन के पास क्या होता है, 3 मोल ऑक्सीजन होता है, तो 1/3 मोल ओजोन के पास क्या होगा, 1 मोल ऑक्सीजन होगा एटम, नंबर बिकॉज नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछ रहा है ना। तो 16 ग्राम ओजोन के पास कितना है, 16 ग्राम ओजोन के पास है 1 मोल ऑक्सीजन एटम, 16 ग्राम ओजोन के पास 1 मोल ऑक्सीजन एटम है, 28 ग्राम्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो 28 ग्राम्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। तो मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कितना हो गया, मास अपॉन ग्राम मोलर मास, मास कितना है 28 और मोलर मास भी कितना होता है 28, कितना आ गया 1। तो 1 मोल सीओ के पास 1 मोल ऑक्सीजन है, तो इसके पास भी कितना आ गया, इसके पास भी आ गया 1 मोल ऑक्सीजन एटम आ गया। एंड 16 ग्राम ओ2, 16 ग्राम ओ2 मोल्स ऑफ ओ2 कितना है, मास ऑफ ओ2 अपॉन ग्राम मोलर मास, मास ऑफ ओ2 है 16, ग्राम मोलर मास ऑफ ओ2 है 32, कितना आ गया हाफ मोल ओ2। तो हाफ मोल ओ2 के पास, 1 मोल ओ2 के पास 2 मोल ऑक्सीजन आटम है, तो हाफ मोल ओ2 के पास 1 मोल ऑक्सीजन आटम है, सबके पास 1 मोल ऑक्सीजन आटम है, तो सबके पास 1 1 मोल ऑक्सीजन आटम है, तो आंसर होगा डी, ठीक है। 18th वाला क्वेश्चन आ गया समझ में। उसके बाद जो है 28 के बाद मैंने दिया था 37। आप 37 में आते हैं, 28 बाद दिया था मैंने 37 और 39, तो 37 क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है 37। 37 वाला क्वेश्चन कहता है कि अ गैशियस कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंटेन्स 12.5% बाय मास ऑफ हाइड्रोजन, द डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड रिलेटिव टू हाइड्रोजन इज 16। इसका मतलब क्या हो गया, डेंसिटी रिलेटिव टू हाइड्रोजन इज 16 का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि वेपर डेंसिटी 16 मींस वेपर डेंसिटी इज 16 कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन है ना, तो फॉर्मूला क्या हो गया, नाइट्रोजन हाइड्रोजन ही ना, फॉर्मूला क्या हो गया, NxHy हो गया। यस, इसका वेपर डेंसिटी कितना है 16 है, मैंने ऑलरेडी बताया था डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन मतलब वेपर डेंसिटी की बात कर रहा है, वेपर डेंसिटी 16 है मतलब ग्राम मोलर मास कितना हो गया 2 × वेपर डेंसिटी मतलब क्या 32 हो गया। अब यार इतना बेकार सवाल क्यों पूछा तुमने मुझसे, इसमें से देखो 32 ग्राम किसका मास है, मोलर मास 32 किसका है, ये नाइट्रोजन 14 और 2 ये 16 मोलर मास है, ये 3 नाइट्रोजन 42 और 1 ये 43 है, ये अमोनिया 17 है, 2 नाइट्रोजन 28 प्लस 4 ये 32 है, आंसर होगा डी 37, ठीक है आ गया 37। उसके बाद क्या है, डाउट है 39। अब 39 वाला क्वेश्चन देखो, 39 वाला क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि अ हाइड्रोकार्बन गिव्स अ गैसियस हाइड्रोकार्बन गिव्स अपॉन कंबशन 0.72 ग्राम्स ऑफ वाटर एंड 3.08 ग्राम्स ऑफ CO2। हाइड्रोकार्बन है पहली बात, तो अगर हाइड्रोकार्बन है इसका मतलब क्या हो गया, जनरल फॉर्मूला क्या लोगे तुम हाइड्रोकार्बन का, CXHY लोगे कि नहीं लोगे बताओ, जनरल फॉर्मूला हाइड्रोकार्बन का क्या पकड़ोगे, CXHY पकड़ोगे ना, तो कंबशन इक्वेशन लिख दो CXHY प्लस 2X प्लस Y बाय 2 अपॉन 2 ऑक्सीजन गिव्स XCO2 प्लस Y बाय 2 H2O, तो दिस इज गिविंग 0.72 ग्राम्स
ऑफ गैसेस हाइड्रोकार्बन गिव 0.72 ग्राम्स ऑफ वाटर एंड 3.08 ग्राम्स ऑफ CO2, ठीक है, एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना है? तो बताओ जरा, मोल्स ऑफ वाटर कितना आया है? मोल्स ऑफ वाटर कितना आया है? ऐसे देखो ना, अगर तुम इसका ए मोल लेते हो, चलो सीधा सीधा करते, बताओ मोल्स ऑफ वाटर कितना आ गया? 0.72 अपॉन कितना? 18 ना, ये आ गया 0.04। यस, तो एक तरह से ठीक। उसके बाद मोल्स ऑफ CO2 कितना आ गया? 3.08 अपॉन कितना? 44। कितना हो गया? 44 × 7, 308 होता, तो ये आ गया 0.07। यस, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? यहां से अपने पास है CX, CXHY। ऐसे देखो ना, ये क्या देगा तुमको? ये तुमको देगा एक्स मोल, और ये तुमको देगा कितना? वाई बाय टू मोल। यस, तो इसका मतलब क्या हो गया? एक्स इज प्रोपोर्शनल टू 0.07 ना, एंड वाई बाय टू इज प्रोपोर्शनल टू 0.04। इसका मतलब वाई इज प्रोपोर्शनल टू कितना? 0.08, है कि नहीं? तो एक्स इज प्रोपोर्शनल टू 0.07, तो ये कह सकते हो कि, या इक्वल टू कर दो ना, मोल्स है ना, मोल्स है ना, ये है ना, ये एक्स मोल आएगा, ये वाई बाय टू मोल्स आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो ये एक्स आ गया ना, मोल्स ऑफ CO2, तो एक्स कितना आ गया? 0.07 आ गया। वाई बाय टू आ गया तुम्हारे पास, वाई बाय टू तुम्हारे पास आ गया 0.04, तो वाई कितना आ गया? 0.08 आ गया। यस, तो CX विच इज इक्वल टू कितना? 7/100, और ये कितना हो गया? ये हो गया 8/100। तो CXHY कितना हो गया? C 7/100 H 8/100, ये कितना आ गया? C7H8, आया कि नहीं आया? 39 वाला क्वेश्चन जिसने भी पूछा मुझसे, समझ में आया? C7H8 क्लियर हुआ क्या? तो ये हो गया हमारे पास C7H8, ठीक है। 39 के बाद मैंने दिया तुमको कौन सा क्वेश्चन? 54, 54 दिया ना, 50 भी दिया क्या? अरे भाई, 27 तारीख वाले पूछ रहे हैं, 27 जुलाई वाले पूछ रहे हैं, 50 भी दिया था क्या मैंने? अच्छा, 50 दिया था, ठीक। तो 50 क्या है? पीपीएम निकालना नहीं आता? पीपीएम निकालना नहीं सिखाया मैंने? कंसंट्रेशन ऑफ ओ2 इन पीपीएम, कंसंट्रेशन ऑफ ओ2, वो पीपीएम क्या होता है? तुम लोग तो एक तो इतने बुद्धू हो, मैं क्या बताऊं, थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाते हो। फॉर्मूला नहीं सिखाया पीपीएम निकालने का? पीपीएम ऑफ ओ2 मतलब क्या? मास ऑफ ओ2 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6, मूर्खों। बॉडी टू भी दिया था क्या? क्या कह रहा है इसमें? 10.3 ग्राम्स, 10.3 mg ऑफ ओ2, तो व्हाट इज द मास ऑफ ओ2? 10.3 × 10 की पावर -3 ग्राम्स, ये मास ऑफ ओ2 है। इज डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सी वाटर ऑफ डेंसिटी, तो 1 लीटर ऑफ सी वाटर में डिजोल्व हुआ है ना, तो व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्यूशन? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? मास ऑफ सॉल्यूशन है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ना, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना है? 1.03 ग्राम पर है, तो वॉल्यूम किसमें? सी वाटर ही सी वाटर में है, तो 1 लीटर वॉल्यूम कितना? 1000 ml हो गया कि नहीं हो गया? इसका मतलब क्या? ml काट दोगे? ग्राम्स। तो ppm कितना आएगा? मास ऑफ O2 की पावर 6, ppm चाहिए ना। मास ऑफ O2 है 10.3 × 10 की पावर -3 अपॉन 1030 × 10 की पावर 6, तो 10.31 टाइम्स, 10.3 100 टाइम्स, तो ppm कितना आ गया?
पीपीएम आ गया 10^3/100, ये हो गया 10, तो पीपीएम ऑफ ओटू कितना आ गया, 10 आ गया, और कितना आ गया, थोड़ा दिमाग लगा लिया करो यार, भगवान ने दिमाग दिया उसको सजाना नहीं है उसको, तुम लोग सजा के रखे रहते अपना दिमाग पता नहीं किस दिन के लिए। ठीक, फिर बताओ 42 भी दिया था क्या, 42 में डाउट है, 42 में डाउट है, नहीं है डाउट 42 में, पक्का क्वेश्चन नंबर 42, यस, कुछ लोग यस बोल रहे हैं, 42 भी दिया था, पहले 42 बता देता हूँ। 42 क्या कहता है, 42 कहता है कि मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कम्बशन ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोपेन एंड 2 मोल्स ऑफ ब्यूटेन। यार 1 मोल प्रोपेन को बर्न करने में कितना मोल ऑक्सीजन लगेगा, 2 मोल ब्यूटेन को बर्न करने, प्रोपेन ब्यूटेन नहीं पता क्या, प्रोपेन क्या है, C3H8, तो C3H8 का कंबशन करो 3CO2 + 4H2O, तो 3 × 2 = 6 + 4 = 10, ये क्या आएगा 5, तो 1 मोल ब्यूटेन को लगता है 5 मोल O2, तो 1 मोल ब्यूटेन को, सॉरी 1 मोल प्रोपेन को कितना लगेगा, 1 मोल प्रोपेन को लगेगा 5 मोल O2, है कि नहीं, 1 मोल प्रोपेन को लगेगा 5 मोल O2। फिर कह रहा है 2 मोल ब्यूटेन, ब्यूटेन कितना है C4H10 + O2, ये कह रहा है 4CO2 + 5H2O, तो 4 × 2 = 8 + 5 = 13, तो यहां पे कितना आएगा 13/2, तो 1 मोल को लगता है 13/2 मोल, तो 2 मोल को कितना लगेगा, 2 मोल को लगेगा 13 मोल O2, तो 2 मोल रिक्वायर्स 13 मोल O2, तो 2 मोल को लगेगा कितना 13 मोल O2, तो टोटल कितना हो गया, आप कहते हो एडिशन भी नहीं आता, 5 + 13 कितना हो गया, 18 हो गया कि नहीं हो गया, 18 मोल O2 लगेगा। ठीक है, फिर दिया था मैंने क्वेश्चन नंबर 54, 56, चलो बताओ 54, 56, बोलो 54 आ गया, 54, 56 में कोई डाउट है, 54 आ गया, 56 आ गया, डाउट हो तो पूछ लो, देखो मैं सारे डाउट्स बता रहा हूं। 54 नहीं आया, अभी 2 दिन पहले ही मैंने ऐसे क्वेश्चन का डिस्कशन किया वंसल में, जहां पे दो अलग अलग मोलर मासेस निकालने होते, सोते रहते हो क्या एकदम से, कि दिमाग ही नहीं दिया भगवान ने, कोई तो प्रॉब्लम है, दोनों में से कोई तो प्रॉब्लम है। अभी मैंने 2 दिन पहले परसों ही ऐसा क्वेश्चन बंसल में डिस्कशन किया है कि दोनों के अलग अलग मासेस निकालने हैं, या तो दिमाग नहीं है बिल्कुल, दिमाग की जगह कुछ और भरा हुआ है, या दिमाग है उसको यूज करना नहीं जानते हो, 10th के 10th में बैठे हो क्या, कि किताब पढ़ ली रट लिया वही क्वेश्चन आ जाएगा, दिमाग नहीं दिया भगवान ने बिल्कुल, थोड़ा सा भी दिमाग नहीं है। अभी 2 दिन पहले इसका डिस्कशन किया है, 5 मोल्स ऑफ Ab2, Ab2 मोलर मास ऑफ ए कितना ले लो, मोलर मास ऑफ ए ले लो एक्स, मोलर मास ऑफ बी ले लो वाई, तो Ab2 का ग्राम मोलर मास कितना हो जाएगा, x+2y, तो मोल्स ऑफ Ab2 कितना दिया गया है, 5 दिया गया है, दिस इज इक्वल टू मास अपॉन ग्राम मोलर मास, मास कितना है 125 × 10^-3 kg, मतलब 125 ग्राम अपॉन कितना x+2y, दिस इज इक्वल टू 5, तो सॉल्व करो इसको, 5 1 टाइम्स 5 25 टाइम्स, तो पहला इक्वेशन क्या आ गया, x+2y = 25, पहला इक्वेशन आ गया। उसके बाद क्या है, A2B2 ग्राम मोलर मास ऑफ A2B2, A2B2 के लिए बताओ A2B2 का ग्राम मोलर मास कितना है 2x+2y, तो मोल्स ऑफ A2B2 कितने हैं, मास अपॉन ग्राम मोलर मास, मास कितना दिया है, ग्राम में रखा जाता है ना मास, 300 × 10^-3 kg, तो ग्राम में रखोगे इसको कितना आ गया,
300 ग्राम्स हो गया, ये आ गया, ये ग्राम्स में आया है, ये सब ग्राम्स में लो, एक्स ग्राम्स एंड वाई ग्राम्स, तो ये पूरा ग्राम्स में आ गया, तो ये हो गया 300 ग्राम्स अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई, क्योंकि मोलर मास कितना है, 2x+2y, कितने मोल्स हैं A2B2 के, 10 मोल्स है, सो दिस इज इक्वल टू 10 मोल्स, तो ये कट जाएगा 2 1 टाइम्स, 2 15 टाइम्स, तो यहां से x प्लस वाई कितना आ गया, 15 आ गया, दो इक्वेशन आ गए अपने पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 एंड x+2y इज इक्वल टू 25 ग्राम्स में आया ये, तो x+2y इज इक्वल टू 25 एंड x+y इज इक्वल टू 15, कट जाएगा y इज इक्वल टू 10 ग्राम्स एंड x इज इक्वल टू कितना, 5 ग्राम्स, तो मोलर मास ऑफ ए कितना हो गया, ये केजी में दिया गया है, -3 दिख रहा है ना, केजी में दिया गया है, मतलब मोलर मास ऑफ ए हो गया x, विच इज इक्वल टू 5 ग्राम्स, विच इज इक्वल टू 5 × 10^-3 kg, एंड मोलर मास ऑफ बी कितना हो गया, y, विच इज इक्वल टू 10 ग्राम्स, विच इज इक्वल टू 10 × 10^-3 kg, तो ये हो गया 5 × 10^-3 एंड 10 × 10^-3, डी 54, ठीक है, समझ में आया, अगली बार फिर पूछना, फिर 4 बातें सुनाऊंगा, फिर बताऊंगा, ठीक है, अगली बार ऐसा क्वेश्चन है फिर से पूछना मुझसे, ठीक, फिर बताओ क्वेश्चन नंबर 56, 56, क्वेश्चन नंबर 56 बोलो, आ गया 56 में, डाउट है क्या, नो डाउट, फिर दिया था मैंने 62, 63, 68, 62, 63, 68, 68 दिया था, 62, 63 में डाउट नहीं है, 62, 62 वाला क्वेश्चन क्या है, अब इसका डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में लेते हैं, ठीक है, अभी टाइम भी बहुत ज्यादा हो रहा है, 7 से ऊपर 7 मिनट ज्यादा हो गए, नेक्स्ट क्लास में लेते हैं इसका डिस्कशन, कितना बचा है, 62, 63, 68, 70, 72, 5 क्वेश्चन बचे ना, हाँ ठीक है, कल ये 5 क्वेश्चन पहले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, 5 क्वेश्चन बचे ना, इनका डिस्कशन पहले कल लेक्चर में कर लेंगे, फिर आगे पढ़ाएंगे, 5 क्वेश्चन बचे, ठीक है, इनका डिस्कशन पहले कल लेक्चर में कर लूंगा, ठीक है, चलो, थैंक यू, बाय, टेक केयर, टाइम भी हो रहा है ना, अभी टाइम ज्यादा हो रहा है, ठीक, चलो, बाय बाय।